Hello, assalamu alaikum. Welcome back to my vlogging channel one time again. If you don't know me, my name is Najaf. If you have not subscribed to my skincare channel, then I will give you a link below. You can also subscribe there. This vlog is really, really, really entertaining. Basically, vlog I shot 2 months before. I didn't get time to edit it and upload it, so I'm uploading it right now. आप लोग इसको एंड तक देखिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा जरूर. दिस इज अ वेरी एंटरटेनिंग व्लॉग, सो डू वॉच दिस व्लॉग एट द एंड. सो एंजॉय द व्लॉग. आज का जो हमारा व्लॉग है विच इज आल्सो गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग बिकॉज आज मेरा लास्ट डे है सेमेस्टर का. इट्स जस्ट नॉट द लास्ट डे ऑफ सेमेस्टर, मेरा साथ में फिजिक्स का फाइनल एग्जाम भी है एंड आई एम आल्सो वेरी टेंस्ड अबाउट दैट बिकॉज सुबह के 8 बजे वो एग्जाम रख दिए उन्होंने. एज यू हर्ड फ्रॉम द टाइटल, टुडे वी आर गोइंग टू सरप्राइज वन ऑफ माई फ्रेंड्स सारिफ. उसकी आज बर्थडे नहीं है, उसकी 26 को बर्थडे होती है लेकिन आज 23 है. तो क्योंकि लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी का, उसके बाद तो फिर हम सेलिब्रेट कर नहीं सकते, हमें छुट्टियाँ हो जाएंगी. तो मैंने कहा वाई नॉट लेट सरप्राइज हिम दिस डे. और वैसे भी उस डे बहुत ऑब्वियस हो जाता राइट. तो वी आर सरप्राइजिंग हिम टुडे. मैंने ये प्लान काफ़ी टाइम से बनाया हुआ था बट मैं अकेले इस प्लान को कैसे सर अंजाम देता, तो इसलिए आई हैव इंक्लूडेड माई अदर फ्रेंड्स एज वेल. एनी वे मैं बस अभी रेडी होता हूँ ठीक है, और फिर बस घर से निकलते हैं. ओके सो गाइस, आई एम फाइनली रेडी एंड नाउ इट्स टाइम टू वेयर यू नो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फ्रेग्रेंस. सो टुडे आई एम गोइंग टू बी वेयरिंग वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट डुओ विच इज दिस वन. दिस इज द बकरात रूह 540 एंड आई एम गोना पेयर दिस विद वन ऑफ माय फेवरेट फ्रेग्रेंस एज वेल विच इज आरियाना ग्रांडे क्लाउड्स. निकलने वाला तो बस निकलते हैं और तो बस फिर देखते हैं हाउ एवरीथिंग गोस और मेरा फिजिक्स का पेपर कैसा हुआ फाइनल, वो भी बताऊंगा मैं आप लोगों को. ओके सो गाइस, मेरा अभी फिजिक्स का पेपर तो हो चुका है फाइनली और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया. मतलब एक दो एमसीक्यूज गलत है बट ओवरऑल इट वाज अ गुड एग्जाम एंड आई एम सेटिस्फाइड एंड थैंकफुली. पेपर से तो जान छुटी, सो नाउ लेट्स कम टू द फन पार्ट. अभी खैर हम कहाँ पे जा रहे हैं, हम अभी जा रहे हैं पियर्स फिलहाल और इस बिल्कुल सामने ही बनी हुई है क्योंकि इन्होंने कुछ लेने हैं उसके लिए स्नैक्स वगैरह. और मैं यहाँ से जाऊँगा बंदू खान और बंदू खान से मैं लूँगा केक वगैरह कुछ ठीक है. और मैं राइड करवाऊँगा अभी यहाँ से, राइड से फिर मैं इंशाल्लाह जाता हूँ केक लेने ठीक है. एंड आई विल शो यू विच केक आई एम गेटिंग फ्रॉम हिम. बेसिकली इट्स वन ऑफ माई फेवरेट फ्लेवर्स इन केक. तो मैं बेसिकली वो लूंगा, आई होप पसंद आए उन्हें वो. बट एनी वे चलते हैं अभी तो फिर देखते हैं हाउ इट गोस. बाय बाय. मैं देखो कब तक आता हूँ. ओके अच्छा भी माशाल्लाह से मैं यहाँ पे बेकरी पे आया था समझ के, लोकेशन लगाई थी लेकिन ये बेसिकली रेस्टोरेंट था एक. तो अब हम जा रहे हैं बेकरी वाली साइड पे, सो लेट्स सी बेकरी में केक मिलता है या नहीं. बहुत सर्दी है लिटरली. अच्छा यहाँ पे माशाल्लाह से मेरे राइडर के पास लाइसेंस नहीं था तो उनको फाइन हो रहा था यहाँ पे. और मैंने बेसिकली सोचा था कि मैं बाइक पे जाऊँगा और जल्दी जल्दी से जाके ले आऊँगा, इतनी देर नहीं लगेगी. बट आई वॉज रॉन्ग, इतनी सर्दी थी तो आई वॉज रिग्रेटिंग कि काश मैं बाइक पर ना ही जाता. इट वॉज़ दैट कोल्ड कि इट वॉज इवन डिफ़िकल्ट टू इवन ब्रीथ. बट खैर हज़ार साल बाद हमें बंदू खान बेकरी मिलेगी और वी आर फाइनली हेयर टू गेट द केक. इसके अपना नेम भी लिखाना है, चले लिख दें आप. हैप्पी बर्थडे सारिफ, SARIV. आप पहले हैप्पी बर्थडे पूरा लिखें. आई मीन राइटिंग बहुत गंदी है बट अब क्या ही कर सकते हैं, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है. अब जल्दी से केक लेके हम जाते हैं वापस यूनिवर्सिटी. हेलो उन्होंने लिया क्या क्या, दिखाओ जरा मुझे. ऊपर पैक हो रहा है. और हियर मुनीब इज डूइंग सम कटिंग.
पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं, गंद मार रहे हैं. इट्स एक्चुअली डेकोरेशन. बट यार तुम लोगों ने इसको ये शीट के समेत क्यों नहीं डाला? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या बना रहे हो? कंफेटी टाइप बना रहे, इधर डालेंगे. अस्तगफिरुल्लाह यार, ये वैसे ही टूट जाएगा. दीज आर सो क्यूट बाय द वे, बट ये टेस्ट में नहीं. इतना सच नहीं बोलना था. हमने इसके लिए कैप भी लिया. दिखाओ कैप, दिखाओ. दिस कैप इज सो क्यूट. अच्छा फाइनली वी हैव एंटर्ड यूनिवर्सिटी. अच्छा तो गाइस अभी ना हमने यहाँ पे इस जगह पे हमने इसको सरप्राइज देने का सोचा है. ठीक है तो अभी यहाँ से हमारी एक फ्रेंड गई है उसके पास. वी विल कॉल हर और हम उसे कहेंगे कि ना नजफ ना बेहोश हो गया. ठीक है उसकी तबीयत ख़राब हो गई है तो इधर आओ ना उसको लेके ना मर्सी हेल्थ सेंटर चलते हैं सारे मिलके. ठीक है तो अभी देखो वी विल डू द होल सेटअप और फिर देखते हैं व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. ओके ये जी जिन जिन के बैग्स है ना ये गुची मुची उठाए यहाँ से उठाए चले टेबल पे केक टेबल पे केक रखना है हमने. नहीं नहीं केक के साथ बैग नहीं आएंगे इनको साइड पे. जेरीज बैग. हाँ ये पूरा हमने सेट करना है टेबल. जेरीज बैग. ये कॉन्फेटी उड़ जाएगी. ये कॉन्फेटी है. ये कॉन्फेटी के नाम पे धब्बा है. वाओ करेक्ट सेड. ये ऐसे लग रहा है डस्टबिन से उठाया है हम लोगों ने. मैं तो कहता हूँ ये बदनामी को उड़ा दो. इस बदनामी को ना हवा में उड़ा दो. ये नहीं अच्छी लग रही. मेहनत कर रहा है कितनी देर से फाड़. नहीं उसकी मेहनत को तो मैंने नहीं कहा वैसे. मैं ये कह रहा हूँ ये एक जगह पे ये बिल्कुल नहीं अच्छी लग रहा. इट्स नॉट लुकिंग डेकोरेटिव. वैसे ये भी जो तुम लोगों ने कचरे से उठाई हुई डबिया नहीं है ना ये केक की. गाइस इसमें हम घर घर खेलेंगे भी केक के साथ. एनीवे ये छुरा भी हमने लिया है एक बहुत बड़ा छुरी की जगह. प्लेट्स पूरी हैं कोई इतने ज़्यादा लोग नहीं है. स्पार्कलिंग कैंडल्स. आई नो लुक वेरी फनी राइट नाउ. मैं जान के करूँ यू नो आई हैव दैट करेक्ट. क्या है अंदर कुछ था? खाली रैपर मैंने फेंका. तुमने तो ऐसे देखा वानिया मुझे जैसे मेरे पता नहीं क्या फेंके. मत करो बदतमीजी. एनीवे फाइनली मुझे मेरा फेवरेट केक थैंकफुली मिल गया. बेसिकली मैं तीन बेकरियां घूम के आ रहा हूँ और तीनों बेकरियां नहीं थी वो रेस्टोरेंट थे बेसिकली. ठीक है वो खाली गद्दा गद्दा कह रहा हूँ. वो खाली गत्ता है. लेट्स डू द रिवील. ब्रिंग कैमरा क्लोजर. वीडियो नहीं बनाने आती. इधर से आए आप या उधर से आए? उधर से आए. उधर से आए. उधर से चले. ये मैंने न्यू कैमरामैन हायर किया बेसिकली. ये मेरा नहीं है. एनीवे केक रिवील होने लगी है. ये हटाओ यहाँ से. ये वन नीचे उधर रखो. हाँ उधर रख लो. अच्छा ओ ये क्या हो गया? ये आते आते ख़राब हो गया. खैर मैंने उसे कहा केक से राइटिंग लिख तो उसने बड़ी बदसूरत राइटिंग में लिखा. बट अब जो हो सकता है तो हो सकता है. एनी वे यू गाइज दिस इज माई गिफ्ट. ऊपर तो थोड़ा ज़्यादा नहीं हो जाएगा. मुनीब का प्लान है कि मैं वहाँ सीढ़ियों पे खड़ा हूँ. हाँ. अच्छा आइडिया. अच्छा आइडिया. ठीक है छुप के रहना. हाँ ठीक है. तुम सब लोगों को अल्लाह पूछे तुम लोगों ने मेरी बेइज्जती करवा दिया. उसने कहा नीचे उतर. कवर करो. किधर से कवर कर रहे हो? हैप्पी बर्थडे. चलो आओ इधर.
मेरी कमर टूटने वाली थी अगर मैं दो मिनट और बैठता। मैं और क्या कहता, मुझे मैं वहाँ से था, मुझे वहाँ से आएंगे ये लोग। अपने अपने ना तो उसने बैठने बेचारे उसने हम नेरिया अपना बैग पकड़िए। नहीं नहीं आपका यहाँ बैठो ना, यहाँ से पिक्चर अच्छी आएंगी। क्या ये स्पार्कलिंग कैंडल नहीं, ये तो कुछ और था। चलो चलो काटो काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सारे। दे दे कोई इशू नहीं है। आपने खुद बनाया? बताना। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं इतने बड़े बड़े उसको पीस दे रहे हो। पूरा साइज करना पड़ेगा। हाँ नहीं नहीं ये क्रीम ऊपर लगा दो, नजफ के लिए ये है। कैसे? एक सेकंड, बस बस एक और बस। क्रीम वाला पानी दो यार, कोई पानी दो। सॉरी आखिरी बार क्रीम वाली बाइट हो गया। सही यार ब्रो, आपने अपने आईफोन कैटेगरी तो बता देंगे मैं, फायदा जो आपकी फेवरेट हैबिट है ना, बकलावा सबसे फेवरेट है। बकलावा विद आइसक्रीम तो नहीं आई इसके अंदर, बकलावा विद आइसक्रीम आएगी। वो इतना सा पीस था भाई, इतनी जल्दी दिया आपको। चलो बकलावा विद, चलो अच्छा मतलब खाने रिएक्शन देता है बंदा। वो क्या भाई, क्या होता है? मैं इतना भी नहीं खाता भाई, मैं क्या हो गया तुम्हारे वेकेशंस का पूरा सामान, तेरे 2 घंटे का सामान हो गया। हमने तो नहीं पता है बात, उसने वेकेशंस का, उसने 2 घंटे का है, तेरे 2 घंटे का सामान हो गया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। थैंक्स यार, थैंक्स यार।
क्योंकि मैं इतना भी नहीं खाता यार, अजीब यार। अच्छा सच्ची में गिफ्ट है, मजाक के लगा। तो भाई ये क्या, ये हमारी तरफ से, वो उसकी तरफ से। अरे अपनी फिक्र करो, मैं सिर्फ व्लॉग के लिए ओपन करूंगा, क्या मैं लूंगा नहीं। ये क्या बात हुई, मैं ऐसा थप्पड़ मारूंगा चिपक चिपक जाओगे मैं। अभी खोल, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू, अभी खोल लो, अगले सेमेस्टर में खोल लो। हां कर लो, तुम पढ़ने का क्या मसला है, क्या बात में आपने। एक सेकंड, एक सेकंड ब्रो, हलीमा को किस बात पे गुस्सा चढ़ा है आज? बहुत बहुत, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी फ्रेग्रेंस कर सकता हूँ? हाँ तो इसके अंदर कुछ और नहीं, एक और भी चीज थी वो आपने अलग से, हाँ वो आपने अलग की, अलग से निकाल कर रख दी थी आपने, उसकी माशाल्लाह से पैकेजिंग देख के आपको। ओ हाँ, एक ये भी है, इसके पैकेजिंग का जरा बहुत बुरा हाल हो गया। पानी, अरे अपनी फिक्र करो, छोड़ो ये सब। So sorry, इसका हाल थोड़ा बुरा हो गया। Told me in your vlog that you have OCD, so that's why I have given you a hand cream. क्योंकि बार बार हैंड वॉश करने से हैंड ड्राई हो जाते हैं। मैं बताया था व्लॉग में। कर रहे जैसे मैं बहुत डेड रिएक्ट कर रहा हूँ। नहीं मैं नजर पे आ गया नहीं। That's awful gift है। और तू जा रही खाने जा रही है। Bye bye sorry। यार और क्या कर रहे हैं? पसंद आया भी है नहीं? बहुत अच्छा, ऑब्वियसली ब्रो आप मुझे एक पानी का ग्लास भी दे देते तो मुझे अच्छा लगता। सही है। अच्छा तो गाइज अभी हमने बर्थडे सेलिब्रेशन कर लिया, काफ़ी टाइम हो गया अब तो अब मैं इनका वेट कर रहा हूँ अपने फ्रेंड्स का, क्योंकि इनका WRCM का एग्ज़ाम है। इट वॉज द आवर लास्ट ईयर सेमेस्टर एंड इट वेंट प्रीटी वेल एज वेल, तो बस मैं उनका वेट कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ उनके पेपर्स अच्छे हों, तो बस फिर आते हैं और फिर चलते हैं घर। अच्छा तो गाइज अभी मैं ये वेंडिंग मशीन इन अदरवाइज चोर मशीन यूज़ कर रहा था, ये कभी कभी बहुत ज़्यादा पैसे भी ले लेती होती है, बट खैर इसको ना इजी पैसा से पे करो तो फिर ये सही रहती है। ओके एक और चीज़ भी ऑर्डर की थी मैंने, ये आ गई, ये आ गया हमारा खाना, ये मेरा हो रहा है ब्रेकफास्ट। अच्छा गाइस तो फाइनली ये लोग सारे आ चुके हैं, पूरे टाइम पे निकले इन्होंने, एक मिनट ये नहीं हुआ कि जल्दी निकले हैं, ठीक है। खैर सारिफ का भी अच्छा है, वो भी चला गया, आपका कैसा हुआ? हम ना मेरा अच्छा हुआ है, वो तो टीचर पे डिपेंड करता है कुछ तक। क्या टीचर पे तो नहीं डिपेंड करता, मुझे बोलना था। आपका कैसा हुआ? मेरा सही हुआ है। नहीं आपने जो करतूत किए वो उसी तरीके से नंबर आएंगे ना। अपनी बात ना करते हैं बीच में। ये क्या बात करता है यार। हाँ मेरे तो अच्छे करतूत ही है, तो अच्छे नंबर ही आएंगे, देखा जाएगा इन फ्यूचर। इतनी गंदी धमकी तो बस तक फिर। ये पहले हम एन ब्लॉक गए थे, इनका कोई काम था तो 4:10 पे मुंह उठा के गए, 4 बजे ऑफिस ही बंद हो जाता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा निकले इधर से, कल सुबह आइएगा, तो अभी सुबह छुट्टियों वाले दिन में आएंगे एंड वी विल डू रेस्ट, क्योंकि हमने वो काम पहले ही कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, ठीक है। एनीवे यू नो लेजी पीपल्स। अच्छा तो गाइस अब हम घर वापस जा रहे हैं अपने अपने, सारे के सारे दोस्त चले गए वापस एंड वी आर ऑल्सो गोइंग, तो पहले हम ना ड्रॉप होंगे अपने घर एंड देन मैं ड्रॉप होऊंगा अपने घर। मैं तो सोया भी नहीं हूँ तो घर जाती, आई विल स्लीप। हाँ तो आई विल जस्ट एंड दिस व्लॉग हियर और फिर बाद में इनसे नेक्स्ट सेमेस्टर में मिलते हैं। ओके नेक्स्ट सेमेस्टर में, हाँ तकरीबन 20 दिन बाद। ओके सो सी यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।